काम करना चाहते हैं। एस्ट्रो वास्तु, वास्तु इलेक्ट्रॉनिक वास्तु, कलर थेरेपी पर काम करना चाहते हैं तो देर न। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय महाकाली। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, मैं संजीव ठाकुर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आप किस तारीख। तो दर्शकों, आपकी बहुत बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो आपने क्या करना है, आपने हमें इस फोन इन लाइव प्रोग्राम पे करना है मैसेज और अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपने यहीं पर पाना है। क्यों संजीव जी? बिल्कुल 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 साक्षी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, मैं तो हमेशा ही चाहूंगा जितने भी लोग आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप सबका भला हो, चंगा हो, आपके परिवार में सुखी शांति, सब कुछ बढ़िया हो, आप खूब फले फूले, खुश रहें, आप बाद रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और जीवन में आपके हर सुख मिले, आपका बिजनेस खूब चले, आपके बच्चे अच्छे हो जाएं, आपके घर से बीमारियां दूर हो जाए, जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां हो जाएं, जिनके बच्चे या घर में कोई भी नशे में पड़ा हो उनके नशे छूट जाए, आजादी मिल जाए उनको नशों से। किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति अगर नशे में हो, नशे छूट जाए, घर में कोई भी बीमार हो वो ठीक हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो वो बच्चा ठीक हो जाए, मेरी यही प्रार्थना है प्रभु से, यही प्रार्थना। तो कॉलर का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगी कि हमारा जो चैनल है वो साक्षी संजीव ठाकुर चैनल, आप हमें यूट्यूब पे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको हमारे सारे प्रोग्राम्स नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम आपसे फेसबुक पर भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप हमें फॉलो कीजिए। तो चलिए कॉलर का सिलसिला शुरू करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हेलो, हेलो, नमस्कार मैडम। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, बताइए डेट ऑफ बर्थ। राधे राधे जी। राधे राधे मेरे मालिक, राधे राधे। डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1988। 1988 टाइम बता दीजिए। 19.05 जन्म स्थान दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली। बताइए क्या समस्या आ रही है मैडम। ये हमारा केवेंटर का आउटलेट था जो पैसिफिक मॉल में हर साल रिन्यू होता है, तो इस साल वो रिन्यू नहीं करे, किसी और को देना चाह रहे हैं। 5 साल से 4 साल से हमारे पास है पैसिफिक मॉल का। आपका ये शालीमार बाग में? ये पैसिफिक मॉल जो है ना, रजौरी गार्डन के पास। रजौरी गार्डन में? ओके ओके। टैगोर गार्डन के, टैगोर गार्डन पास है ना? समझ गई, मैं गई भी हूँ वहाँ पर, गई भी हूँ मैं। हाँ सर, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते हमारा प्रोग्राम, तो हम 2.5 साल से देखते हैं, फिर बीच में चला जाता है आपका प्रोग्राम, फिर अब आने लगा ये 4-5 दिन से आपका आने लगा, हम तो एकदम चिपक जाते हैं ये टेलीविजन। कोई बात नहीं मेरे मालिक, कोई बात नहीं। पहले सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, पहले मैं एक एक ग्रह आपका देखूंगा, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, मैं आपको सटीक उपाय बता के जाऊंगा। हाँ जी। सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप 3 भाई बहन हैं? हाँ जी। 3 भाई बहन हैं? हाँ जी, 2 सिस्टर 1 ब्रदर। ये ठीक है। हाँ जी। आप कोने वाले मकान में रहते हैं या कोने से तीसरे या ऊपर में जाचना हो तो आपके लेफ्ट या राइट साइड से कोई पतली सी गली निकलती है घर के? लेफ्ट या राइट में पतली सी गली? हाँ जी, जा रही है कोई सड़क? गली है, राइट पे है जी, राइट। हाँ, तो ये कोने का मकान हुआ। दूसरी मैंने बात आपको ये बोली कि आप क्या ऊपर वाले मकान में रहते हैं? हाँ जी, फर्स्ट फ्लोर पे सर। मैंने एक और बात बोली, आप 3 भाई बहन हैं? हाँ जी, 3 है जी, 2 सिस्टर्स 1 ब्रदर। मेरी सारी बातें अभी तक ठीक है ना? बिल्कुल जी। जय श्री राधे। दूसरी बात मैं आपको एक और चीज आपको बता दूं, मुझे माफ कीजिएगा, आपकी पत्रिका में तंत्र मंत्र जादू टोना, हाँ जी, भूत प्रेत जिन जिन्नाथ नजर टोटका सब दिख रहा है मुझे इस समय। अच्छा जी, बिल्कुल, तंत्र मंत्र जादू टोना नजर टोटका हर कुछ है आपकी पत्रिका में, मुझे जो दिख रहा है।
अब आप खुद में कुछ ज्यादा सोचते हैं, घर वालों के लिए कम सोचते हैं? हाँ, दोस्ती यारी ज्यादा करती है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के, आप मेरे मालिक हैं इस समय, क्योंकि आपने इस नौकर को फोन किया है। नहीं, मालिक तो आप हैं सर, हम तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। मालिक तो आप लोग हैं, मेरे हम तो एक आपके बिल्कुल वो हैं जी, मालिक तो हम तो आपके पैरों की जूती है जी। अरे मेरे मनु माँ जी और आप ही हैं जी, हमारे को हम तो इतनी प्रॉब्लम में है, मालिक तो आप हैं सर, हमें तो कुछ नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, आप ना क्या करते हैं, बुरा मत मानिएगा, आपकी जेब में या आपकी जेब में पैसे हैं, मेरी बात को आराम से सुनेंगे तो आज आपको अच्छा लगेगा। ये काम बंद कर दीजिएगा कल को, ठीक है? हाँ जी। आप क्या करते हैं, एक इंसान पहाड़ पे रहता है, हाँ जी, वो पानी लेने के लिए अपने परिवार के लिए नीचे उतरता है, हाँ जी, वो नीचे आते आते पानी भरता है और वापस जाते हुए उसे एक इंसान मिल जाता है, वो कहता है बाबू जी थोड़ा सा पानी दे दो, मेरे बच्चे प्यासे हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। वो उसको पानी दे देता है, हाँ जी। फिर वो दूसरे इंसान पे पहुंचता है, मतलब चढ़ते चढ़ते कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा पहाड़ पे उसको बेचारे को, हाँ जी, तो वो उसको भी दे देता है, हाँ जी। तो जब वो घर तक पहुंचता है ना, उसके घड़े में पानी नहीं बचता है, हाँ जी। तो आप कहने का मतलब ये है आप सिर्फ और सिर्फ आप बाहर वालों को बात कर रहे हैं। हाँ, आप बाहर वालों के लिए बहुत ज्यादा सोच जाते हैं, हाँ जी, अपने लिए नहीं कर पा रहे। ये आपकी बीवी मेरी बात अगर सुन रही होती आज बहुत खुश होती, हाँ जी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बीवी भी आपसे नाराज हो, बताइए। हाँ कि ना गुरु जी, ये मैरिज नहीं हुई अभी। जय श्री राधे। वही मैंने क्या बोला, बीबी भी नाराज हो इन द सेंस की, क्योंकि इस पत्रिका में मैं दिल नहीं दुखाना चाहता था, क्योंकि इस पत्रिका में बीबी का सुख भी कम नजर आ रहा था मुझे। अच्छा जी, जय श्री राधे। बोलिए जय श्री राधे, बोलिए जय श्री राधे। पहले जय श्री राधे जी। अब देख लीजिए मैंने क्या बोला, आपकी बीबी भी आपसे नाराज होगी जरूर, हाँ जी, मतलब क्योंकि इस पत्रिका में बीबी का भी सुख नजर कम आ रहा है, तो शादी ही नहीं हुई है कि जय श्री राधे, हाँ जी, शादी नहीं हुई है कि कोई डिवोर्स वगैरह हो गया है? नहीं गुरु जी, एक जगह पक्की हुई थी, शादी नहीं हुई, डिवोर्स नहीं हुआ, मतलब रिश्ता टूट चुका हो गई थी फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, पत्रिका में क्लियर आ रहा है, या तो शादी का सुख नहीं आएगा, हाँ जी, या शादी के बाद तलाक तक की नौबत आ जाएगी, लड़ाई झगड़े बहुत रहेंगे, ये पत्रिका बता रही है, हाँ जी। और ऐसा नहीं है, बुरा तो नहीं मानेंगे एक बात बोल दूं तो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको सुख नहीं है औरत का, आप सुख ले आते हैं, माफी चाहूंगा मेरे मालिक, आज जो हाँ जी, बुरा तो नहीं माना ना? नहीं नहीं बुरा, गुरु जी बुरा कैसे मानेंगे आपसे, जब तक आप, हम आप ही हमारे को वो करेंगे। बिल्कुल, यहां मैं इसीलिए बैठा हूं मेरे मालिक, हाँ जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक उपाय आपको दे रहा हूं, अगर इससे आपको फर्क लगे, वैसे तो आपको मजा तो आ गया है, नहीं मजा आया नहीं आया बात करके? मजा तो बिल्कुल आ रहा है गुरु जी, एकदम हमको आप एकदम एग्जैक्ट बता। मैं 2 घंटे आपसे बात कर सकता हूं इस पत्रिका में इस समय। अच्छा जी, वो कैंटर का हमारा काउंटर दिलवाइए। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अगर आपने कैंटर का, मैं लिख के कागज पे दूंगा कि मैं दिलवा दूंगा, सुबह मुझे कॉल कर लीजिए और बोलिए। और सुनिए, 101 नहीं 1001% की गारंटी है। और मैं बता देती हूँ संजीव जी, यहाँ पर इनको जो है ना थोड़े से 2-4 उपाय अगर कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा इनको। और ये जो है, क्योंकि यहाँ पर 3-4 ग्रह इनके बहुत जबरदस्त तरीके से खराब हो रहे हैं, और वैसे भी जब भी हमारे कुंडली में, बेसिक कुंडली में बृहस्पति जब खराब होता है तो खाने पीने का काम नहीं चलता है। बिल्कुल। तो अभी जो ये आपकी कुंडली है, इसमें खाने पीने का काम का प्रॉमिस नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉलर पे चलते हैं। और यहाँ पर मैं दर्शकों आपको बोलना चाहूंगी कि जब हमारी कुंडलियां क्या कहती हैं, कि आपके, जैसे कई लोग कहते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए,
जो आपकी बेसिक कुंडली है, लेकिन लोग जो है लाखों रुपए उस काम में लगा चुके होते हैं। अब मेरे पास एक सुबह आज किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे जो है स्टील का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं कहा स्टील का काम आपने बहुत लाखों रुपए इसमें लगा दिए होंगे स्टील के काम में, लेकिन आपका स्टील का काम जो है ये पुश्तैनी होगा और ये चलेगा नहीं, और जब ये आपके ऊपर आएगा आपके ऊपर जब आप इसकी बागडोर संभालोगे तो चलेगा नहीं, जब तक फादर संभाल रहे होंगे तब तक चल रहा होगा। तो उन्होंने कहा हाँ यही हो रहा था। तो हमने अब ये नहीं कि उनके स्टील के काम को हमने बंद करवा देना है, हमने उनको बोलना है कि हाँ जी आप स्टील का काम छोड़ दीजिए, आपकी पत्रिका में तो योग नहीं है, लेकिन हम ऐसा तो उपाय कर सकते हैं कि उनका स्टील का काम थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद उनको कुछ मौका मिले वो कुछ और किसी काम में इन्वेस्टमेंट करें और उसमें जो जो चीज उनके लिए उनकी कुंडली के हिसाब से वो चीज फ्रूटफुल है तो आप उस चीज में आप काम करें ताकि आपके रास्ते आपके और खुले। और आप जो है ऐसा नहीं कि आपको तो ये काम करना ही नहीं था, आपको गाड़ी का काम नहीं करना था, आपको ज्वेलरी की शॉप नहीं खोलनी थी, आप शेयर मार्केट में नहीं जा सकते हैं। हम आपको शेयर मार्केट के भी उपाय बता देंगे, हम आपको इन्वेस्टमेंट्स के भी उपाय बता देंगे, हम आपको हर चीज के उपाय बता देंगे, हर तरीके से बता देंगे, क्योंकि हम आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जैमिनी के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से और आपकी जो है कुछ हीलिंग कोर्स के जरिए भी हमने कैंसर तक के पेशेंट्स को ठीक किया है, कई कोरोना तक के लोगों को ठीक किया है इस कोरोना काल में, उनको कुछ ऐसे हीलिंग कोड्स दिए जिन्होंने अपने हाथों पर लिखा है और उसके बाद उनके सांस से संबंधित दिक्कत ठीक हो गई, उनको हेल्थ रिलेटेड जो हॉस्पिटल में थे हॉस्पिटल से बाहर आ गए। तो ऐसे बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं, बहुत से उपाय हैं, लेकिन करना आपको है। अगर आप घर बैठे बैठे सोचते रहेंगे हाँ हम करेंगे, प्रोग्राम देखने से कुछ नहीं होगा, अपॉइंटमेंट लीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, अपने जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान पाए। तो आपने क्या करना है, इस नीचे दिए गए नंबर पर जो आपके स्क्रॉल पे टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं उन नंबर्स पे कॉल करनी और हमसे हेलो राधे राधे जी, राधे राधे जी, हाँ जी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं। हाँ जी मेरे डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1997। 1997 टाइम बताएं, टाइम सुबह के 3:35। जन्म स्थान बताएं, यूपी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर हाँ जी, कब से देख रहे हैं प्रोग्राम? हाँ जी कब से देख रहे हैं प्रोग्राम? प्रोग्राम तो हम काफी टाइम से एक साल से देख रहे हैं। ओहो फोन मेरे क्या डिस्कनेक्ट हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है। तो चलिए अब तो इनसे बात नहीं होगी, कॉल कर लेते हैं, आगे कॉल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर भाइयों बहनों प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही आप कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग दिल्ली में मिलते हैं, आप हमसे दिल्ली में आकर मिल सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमने सिर्फ हफ्ते में 2 दिन के लिए अपॉइंटमेंट्स खोली हैं। आप वेडनेसडे और सैटरडे को ही हमसे मिल सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल हम नहीं होते हैं। बाकी चलिए कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो राधे राधे। राधे राधे मेरी माता रानी, मेरी प्यारी न्यारी, बहुत अच्छी सी बहन, बताइए डेट ऑफ बर्थ और टाइम। राधे राधे, मैं देव कुछ देख रही हूँ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माता रानी, मेरी मालकिन, मेरी प्यारी अच्छी सी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद पहचान करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं, डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए मेरी माता रानी। किसका जन्म है आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। बिरादरी के जन्म है चलिए संजय जी, क्योंकि समस्या क्या आ रही है, समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या यही आ रही है कि मैं शादी जब से करी हूँ जब से मैं बहुत परेशानी में रहती हूँ, कभी मैं सुख पाने के मतलब नहीं है। देखिए मेरी माता रानी, अगर आप एक समस्या बताएंगी तो मैं आपको एक समस्या का समाधान दे दूंगा। अभी आपकी प्रश्न कुंडली से आपको बताऊंगी, समस्या बोलिए, समस्या एक बोलिए। समस्या यही है, बहुत मैं परेशान में रहते हूँ। शादी से परेशान है? शादी से परेशान है आप? हाँ ठीक है, शादी से परेशान है मेरी माता रानी। मेरी माता रानी मेरी प्यारी न्यारी, बहुत अच्छी सी बहना, बहुत प्यारा और अच्छा सा आपको मैं उपाय बताऊंगा, वो आपने करना है जिससे आपको आराम आए। आपने सूर्य को जल देना है, देती है आप सूर्य को जल? हाँ,
देते थे ना, बस ये छोड़ दिए, दोस्त अभी करते थे ना दोस्त। हाँ जी, पहले देते थे अब छोड़ दिए हैं। हाँ तो सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए, आपको शादी का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, पति का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। आपने छोड़ दिया इसीलिए आप प्रॉब्लम में, आपने छोड़ दिया इसीलिए आप प्रॉब्लम में, आपने खुद बता दिया है। ये प्रश्न कुंडली में आ गया है आपका। जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माता रानी फोन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका एहसान है। यदि आप सूर्य को जल दें तो उसमें सात लाल मिर्च के बीज भी डाल लीजिए, आपकी हर मुराद जो है वो पूरी होने शुरू हो जाएगी। और सूर्य को जल जो है वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये 5 दिन दे, और सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे को ना दे। आप करके देखें, कमाल का उपाय है, आप करके देखें। जय श्री। नेक्स्ट कॉलर लेंगे। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी राधे राधे। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, बताइए डेट ऑफ बर्थ। बताए नमस्कार गुरु जी। नमस्कार मेरे मालिक, मेरे मालिक, बताइए डेट ऑफ बर्थ। बताइए 15 जुलाई 1980 सर। 15 जुलाई 1980 टाइम बता दीजिए जी। 3:15 दोपहर में। दोपहर में जन्म स्थान बता दीजिए। वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौन सा मौरान क्या है, क्या बताया आपने? वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्या समस्या आ रही है जी? मैडम जॉब की प्रॉब्लम है मैडम, जॉब नहीं मतलब है। कहाँ, कब से प्रोग्राम देख रहे हैं आप हमारा? प्रोग्राम तो मैं जो है करीब 1 साल से देख रहा हूँ मैडम आपका। ठीक है, अभी आपको जॉब की प्रॉब्लम, जॉब नहीं लगी है कि जॉब में अभी कोई दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? जॉब मतलब कि 1-2% 2011 में लगी थी, फिर मतलब छूट गई थी, फिर लगी, फिर मतलब फिर मतलब छूट गई। अच्छा अच्छा, होते होते मतलब कि 2016 में जो है मेरी तबीयत खराब, मतलब कि ज्यादा खराब हो गई थी। तो अभी आपके पास जॉब नहीं है? जॉब नहीं है ना अभी जी? जॉब नहीं है ना आपके पास अभी? नहीं नहीं बिल्कुल। ठीक है, कोई भी आप गुरु जी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताएं उसका आंसर। जी जी बिल्कुल। मेरे मालिक, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जब आपको गुस्सा आता है आपसे कंट्रोल नहीं हो पाता है, उस गुस्से में आप कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। जी जी हाँ, ऐसा होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बाहर के लोगों पे ज्यादा आता है। ठीक है मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कहीं ज्यादा पूजा पाठ या ज्यादा आप ज्योत या दीपक घर में जलाते तो नहीं है? पूजा करता हूँ सर गुरु जी। जी जी बिल्कुल, पत्रिका में आ रहा है इस प्रकार से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक इंसान 100 ईंटें रखता है, उसको एक ईंट का फल नहीं मिलता। किस्मत की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। जी सर जी, ध्यान से सुनिएगा। एक इंसान 100 ईंटें रखता है उठा उठा के, उसको एक ईंट का फल नहीं मिलता है। एक इंसान एक एसी रूम में बैठ के रात को करोड़ों रुपए उठा के ले जाता है, ये किस्मत का खेल है। हेलो जी। हाँ बोलिए सर। तो आपको लगता है आपकी किस्मत आपको साथ देती है? नहीं सर, नहीं देती है। जय श्री राधे। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, क्योंकि पत्रिका में आता है किस्मत साथ ना दे। जी जी। किस्मत आपको पीछे खींचे, किस्मत आपको साथ ना दे। और दूसरी एक और मैं आपको बात बता दूं कि आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को शांति देनी चाहिए मेरे मालिक। जी जी। आपका ना दिमाग शांत नहीं बैठता है, आइडियाज मतलब विचार ही विचार, ये कर लूं वो कर लूं। और एक और बात बताऊं, आपके दिमाग में उल्टे सीधे रस्तों के भी दिमाग आते हैं कमाने के लिए। जी है कि नहीं है? हंस रहे हैं, हरियाणा में जवाब दीजिए। जी सर है, ऐसा है। ऐसा है मेरे मालिक, बिल्कुल है। और आप ना सोचता हूँ कर नहीं पाता उसको, कर नहीं पाते हैं। और जवान से भी बहुत गड़बड़ करते हैं आप। क्या
क्या गुरु जी? जवान जवान मुंह से ना बहुत कड़वा भी बोल जाते हैं। जी जी हाँ ऐसा है। अब आपने नौकरी का अवश्य ही मुझसे जो सवाल पूछा, आपने 12 गुटिका हमारे कार्यालय से मंगवानी है, वो जल प्रवाह करनी है। राधे राधे मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, चमत्कार को नमस्कार। आप कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा। और ये जो आपने जल प्रवाह करनी है और जो अब आप मंगाएंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे आप हमारा @आदित्य कुंडली पेज पर जाएं और उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे दो चैनल हैं, एक है आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर और एक है 5 मिनट्स टिप्स एस्ट्रो मसू। उन दोनों चैनल से हम लोग लाइव आते हैं, तो आप लोग लाइव हमें देखते हैं और वहां पर देखिए और अपनी कुंडली का एनालाइजेशन भी आप हमसे करवा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सारे प्रोग्राम्स नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और उसमें हम बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताते हैं, जैसे कि किस प्रकार से आपको अपने जीवन में रहना है, किस प्रकार से कार्य करना है और कैसे पैसे का फ्लो बढ़े, किस प्रकार से घर में सुख शांति आए। छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े उपाय आपको बताए जाते हैं। तो एक और कॉलर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मेरी माता रानी, मेरी प्यारी नारी, बहुत अच्छी सी बहना, मेरी मालकिन, बताइए डेट ऑफ बर्थ और टाइम। बेटी के बारे में पूछना है। बताइए डेट ऑफ बर्थ और टाइम, बताइए मेरी माता रानी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आप प्लीज टीवी मत देखिए, आप प्लीज टीवी मत देखिए मेरी माता रानी। टीवी में आप बाद में बात जाएगी, हमसे पहले होगी, हम वही बोल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। बताइए जी। हाँ जी, 10 नवंबर। 10 नवंबर। हाँ जी, 1994। टाइम बता दीजिए। टाइम रात्रि के 11:20। रात्रि के 11:20। हाँ जी, हाँ जी। गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना और इसके लिए मैरिज का पूछना। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब। जन्म स्थान कहाँ का है? गंगानगर। ठीक है जी। श्री नहीं लगाया आपने? हाँ जी, श्री गंगानगर। अरे मेरी माता रानी, हमने बता दिया श्री गंगानगर होना चाहिए। चलिए, 10/11/1994 और 23:20 रात्रि का गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना है। 10/11/1994 का है ना आपका? 94 का ही है ना? हाँ जी, 94। ठीक है। शादी की अगर हम बात करें तो 27वां साल आपकी डॉटर को लगा हुआ है और कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन में, लगन में ही आपके मंगल देव जो है वो नीच कर होकर बैठे हुए। लड़की मंगलिक है, तो लड़की आप जो है लड़का मंगलिक ही ढूंढे। सबसे पहली बात, कोई भी आपको बोले कि मंगल का दोष खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उन बातों पे ना जाए। लड़की की शादी मंगलिक लड़के से ही होनी है, पहली बात तो ये है। दूसरा, लड़की को जो है ना उसका मन जो है वो बेचैन रहता है, घर में जो है थोड़ा सा घबराती भी है और थोड़ा चिड़चिड़ापन जो है वो ज्यादा हो जाता है। बताइए। हाँ जी, हाँ जी। और क्या कहते हैं, आपके खुद के यानी कि माता के घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द रहेगा और रीढ़ की हड्डी में भी परेशानी रह सकती है। तो बताइए, ऐसा है आपके साथ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। क्या क्या दिक्कत रहती है रीढ़ की हड्डी में, कहाँ रहती है परेशानी आपको बताइए? मेरे ना घुटनों में दर्द रहती है और टांगों में दर्द। हाँ, तो अपने घुटनों के ऑपरेशन से आपको बचाकर रखना है अपने आपको, ठीक है। ये लड़की जो है ना आपकी सीक्रेटिव भी है, अपने भेद जो है वो इतनी जल्दी देगी नहीं। जैसे कि आपने देखा है, क्या कहते हैं कि कई लोग होते हैं अपने भेद जल्दी देते नहीं है, तो ये भी यहाँ पर अपने सीक्रेट्स रखेगी, अपने भेद ही देगी। और अगर ये लड़की की अगर जॉब करती है तो तभी अच्छा है, नहीं तो घर में बैठकर ये डिप्रेशन में जाएगी। तो बताइए, लड़की जॉब करती तो है? नहीं लगी, नहीं जॉब लगी नहीं, तो घर में थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन में तो नहीं जा रही लड़की? थोड़ा सा दिमाग में ज्यादा डिप्रेशन में रहती है। तो इसको तो सबसे पहले तो आप जॉब लगवाइए, नौकरी से भी बड़ी चीज इसके लिए जॉब है। अगर ये जॉब करेगी तभी ये ठीक रहेगी, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। और घर के अंदर भी ना आपने ना अपने घर के अंदर अपने हर एक कमरे के अंदर अलग अलग कलर का व्हाइट वॉश तो नहीं करवा रखा? किसी में कोई अलग कलर, किसी में अलग कलर, इस प्रकार से कोई वॉल पेपर लगा रखा? व्हाइट ही करवा रखा, पूरे घर में व्हाइट करवा रखा है। हाँ जी, हाँ जी। कभी भी गलती से भी आपने अलग अलग कलर नहीं करवाना है, ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष जो है वो खड़ा हो जाएगा। आपके घर में जो है ना कहीं पर आपने जो अपनी रसोई जो है किचन कहाँ बना रखी है, वो ईस्ट की साइड में तो नहीं आ रही है? नहीं जी, पूर्व और दक्षिण कोने में। हाँ, तो आपकी ना पूर्व और दक्षिण के कोने में, ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आपकी किचन आ रही है। तो वहां पर भी जब हमारी किचन आती है, जो उसको हम ईएससी जोन कहते हैं, अभी कल ही मेरी जो है कल एक वास्तु विजिट पे मैं गई हुई थी,
और वहां पर क्या था कि उन्होंने अपनी रसोई जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में बना रखी थी। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में आपकी साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आपकी किचन बनी हुई है, आप चेक कर लीजिएगा कंपास को लेकर। और जब ऐसी रसोई हमारी यहां पर बन जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि पहले तो ईस्ट में रसोई आने से हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं, हमारे पेट खराब रहने लग जाता है, और हमारी सबसे बड़ी समस्या वहां पर ये आती है कि हमारे रिलेशन और मैरिज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, रिश्ते सही ढंग के मिल नहीं पाते हैं। आप कितने मर्जी लोगों को बताएंगे लेकिन वहां पर आपको कोई अच्छा रिश्ता आपको जो है वो मिल नहीं पाएगा। तो बताइए ऐसा होता है आपके साथ में? मेरे तीन बच्चे हैं, तीनों के नहीं रिश्ते हो रहे। आपके होंगे ही नहीं क्योंकि मैंने आपकी जो प्रॉब्लम पकड़ी है ना दीदी, वो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो साक्षी जी तो ये है। तो ये आप अपनी इस प्रॉब्लम का आपने यही बैठे बैठे घर की पूरा नक्शा बता दिया है दीदी को। जी जी, अब तो थोड़ा सा समय का अभाव हो चला है लेकिन मैं उनको और भी इनसे बहुत सारी चीजें मैं पूछना चाहती थी। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हमारी वास्तु का हमारे माइंड पर, हमारी बॉडी पर, हमारे सोल पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, और इस चीज का इफेक्ट आपकी कुंडली पर भी आता है। बच्चों की शादी तीन की इनसे बात हुई और तीनों बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं। आप मुझे सुबह कॉल करके बात कीजिए और मुझसे जरूर मिलिए, मैं आपके तीनों बच्चों की शादियां भी करवाऊंगी और आपके घर में सुख शांति भी आएगी। दर्शकों, आज इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर और जो है फेसबुक पे भी आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर 5 मिनट्स एस्ट्रो वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे, और रोज हम आपसे 11 बजे मिलेंगे। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय महाकाली। विशेष सूचना, अगर आप भी गुरुदेव संजीव ठाकुर और साक्षी ठाकुर जी से अपने घर का नक्शा दिखा